हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है सेफ्टी कम्युनिटी के ऊपर। सेफ्टी कमिटी जो होती है वो क्या होता है? देखिए, कोई भी वर्क प्लेस है, जैसे मान लीजिए कंस्ट्रक्शन साइट है, ठीक है, वहाँ पर 500 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए जो प्रोजेक्ट साइट है उसके सेक्शन 38 के अकॉर्डिंग कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है तो उसमें क्या एक सेफ्टी कमिटी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि उन सारी लेबर्स को, वर्कर्स को मैनेज करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। तो ये जो सेक्शन 38 के अकॉर्डिंग बताया गया है, एक्ट जो है इसमें 1997 लग रहा है, ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि सेफ्टी कमेटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होगा, कंडीशन, सर्विसेज कंडीशन जो हैं, एम्प्लॉयमेंट जो है, रेगुलेशन जो है, वो सारी चीज़ें वेल मेंटेन रह पाएंगी, ठीक है। तो सेफ्टी कमेटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन में बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो जो मेन बात अभी मैंने की वो कंस्ट्रक्शन के लिए है कि जहाँ पे इतने वर्कर काम कर रहे हैं, कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहाँ का कौन सारी चीज़ें लेगा, कौन हैंडल करेगा, ठीक है। तो उसके लिए ये रूल निकाला गया था कि वहाँ पे सेफ्टी कमेटी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या होगा, वो सारे जो सिचुएशन है उन्हें आइडेंटिफाई कर पाएंगे, सोर्सेज जान पाएंगे, हजार्ड्स जान पाएंगे, और वर्कर को किस तरीके से वहाँ काम करना है ये सारी चीज़ें जान पाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो रिकमेंडेशन करेंगे सेफ्टी के रिगार्डिंग, ठीक है, रिकमेंडेड करेंगे लोगों को, हेल्थ मेजर बताएंगे, ठीक है, सिफारिश करेंगे सेफ्टी की, क्या कर रिकमेंडेशन करना है, यानी सिफारिश करेंगे वो सेफ्टी की कि आप सेफ्टी के लिए ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। इससे क्या होगा, सिफारिश से ये पता चलेगा कि आप सेफ्टी रखते हैं तो क्या क्या आप कर सकते हैं, अपने वर्क प्लेस को कैसे सेफ रख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही अगर आप सेफ्टी कमेटी रखते हैं तो आपको सारी रिपोर्टिंग्स भी आएंगी अनसेफ कंडीशंस की, अनसेफ एक्ट की, हर डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो कैसे आप सेफ्टी रख सकते हैं, ये बहुत ही आसान तरीका हो जाता है अगर आप सेफ्टी कमेटी वहाँ रखते हैं तो। तो सेफ्टी कमेटी का एक बहुत बड़ा अपने आप में ही एक रोल है जो वो प्ले करता है। दिखता कुछ नहीं है कि ये सारा काम इनके थ्रू किया जा रहा है, देखिए, पर जो इंसान सेफ रहता है, सेफ्टी जो है वो मेंटेन रखता है, तो उसको बेनिफिट्स भी होते हैं। क्या एक्सीडेंट नहीं होंगे, जो काम कर रहा है बंदा वो ठीक से काम करेगा तो उसे चोट नहीं लगेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। साथ ही इसके जो मेन मोटिव्स हैं वो यही हैं कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसे पूरा सोच के, समझ के, उसको तैयार करके, वो प्लान तैयार करके, आपने सेफ्टी कमेटी इसीलिए बनाई जाती है कि जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो एक कमेटी के थ्रू हो, ठीक है। इससे क्या है, कमेटी में कौन कौन आ गया, आपका HSC इंजीनियर आ गया, सुपरवाइज़र आ गए, ऑफिसर्स आ गए, ठीक है, आपके नीचे काम करने वाले जो भी HSC डिपार्टमेंट में है वो सब लोग आ गए, तो इनसे मिलके बनती है सेफ्टी कमेटी, ठीक है। अब देखिए, जो भी मैंने मेंबर्स बताए, जैसे HSC इंजीनियर हो गया, सुपरवाइज़र हो गया, ऑफिसर हो गया, ये सारे लोग क्या हैं, सेफ्टी कमेटी के मेंबर हो गए। अब उन लोगों ने क्या किया, हर एक बंदे के पास एक काम है। इंजीनियर जो है वो सबको सुपरवाइज़ करेगा, सबको गाइडलाइंस देगा कि आपको ये वर्क करना है। सुपरवाइज़र जो गाइडलाइंस दी गई हैं उन्हें फॉलो करेगा, ऑफिसर जो है वो उन्हें फॉलो कर पाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी, ठीक है। तो क्या होता है, बेसिकली सबके पास अपने अपने काम होते हैं, बहुत बड़ी साइट है, आपको सारी चीज़ें अकेले नहीं मैनेज कर सकते हैं, तो सबकी हेल्प लेके आप करेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन उसमें कैसा है, साइट सेफ्टी के लिए क्या कोऑर्डिनेशन हो रहा है, कैसे लोग उसे ले रहे हैं, सेफली ले रहे हैं नहीं, क्योंकि होने वाले साइट्स पर एक्सीडेंट बहुत सारे हैं, जैसे एक्सकवेशन चल रहा है, हाइट पे वर्क चल रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क चल रहा है, कुछ भी फिटिंग चल रही है, वेल्डिंग चल रही है, तमाम सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं वहाँ पे। और पहली बात, वहाँ के फ्लोर भी क्लीन नहीं रहते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो सामान जो है वो सारा बिखरा पड़ा है, ज़्यादातर ऐसा होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे, हाउसकीपिंग का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो यही है कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे मेंटेन कर सके, ठीक है। सुपरवाइज़र्स जो रहते हैं उनको भी कोऑर्डिनेट करना होगा, उनको भी साइट रिक्वायरमेंट्स बतानी होंगी, सुपरवाइज़र्स को भी ट्रेंड करना होगा। जब तक हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे तब तक हम इसका एक हिस्सा भी नहीं कर सकते हैं, तो लैक ऑफ ट्रेनिंग नहीं होना चाहिए, ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारे काम इंजीनियर करता है, उनको ट्रेनिंग देना, ठीक है, अपने ऑर्डर्स बताना कि आपको कैसे क्या काम करना है वो सब बताना, और उसके बाद जो सुपरवाइज़र्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो लोग इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो उससे क्या होगा, बताया तो उनके थ्रू गया, पर जो फॉलो करवाया उससे सेफ्टी मेंटेन करी गई, ठीक है।
उसके बाद जो भी वर्क जहाँ भी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट है, उनके खुद के अपनी एक SOP होंगी, खुद के पॉलिसीज होंगी, प्रोसीजर्स होंगे, कैसे फॉलो करना है, क्या फ्रेमवर्क है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस कैसे फॉलो हो रहे हैं नहीं, ये सब चीज़ें चेक करना, ठीक है। जो साइट है वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कैसे चल रहा है, साइट मेडिकल है या नहीं, रेस्क्यू सर्विसेज हैं या नहीं, इमरजेंसी प्लानिंग है या नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करना, जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं वो सारी चीज़ें देखना, ये सारा काम हो गया, ठीक है। अब जो सुपरवाइज़र है वो क्या करेगा, उसका भी सेम यही है, जो भी चीज़ें खराब हो रही हैं, खराब चल रही हैं, जो भी इंस्पेक्शन के थ्रू पता चला कि ये चीज़ें जो है मेंटेनेंस होना है, तो उसको चेक करना कि आप वो काम हुआ है या नहीं, या वो काम सही से चल रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें। अब कहीं स्काफ फोल्डिंग बांधी जा रही है, देखा है आपने, जब भी कोई हाइट पर वर्क चल रहा है, जैसे मकान बन रहा है, तो वो बांस की लकड़ियाँ लगा के वो एक प्लेटफॉर्म टाइप का बनाते हैं जिस पर वो खड़े होकर वर्क कर सके, उसे बोलते हैं स्काफ फोल्ड। स्काफ फोल्डिंग जो है उसकी लकड़ियाँ कैसी हैं, जो भी वो यूज़ कर रहे हैं वो क्या यूज़ेबल है या नहीं, ऐसा तो नहीं वो टूट सकती हैं, ये सारी चीज़ें चेक करना, ठीक है। और फिर उसके बाद स्काफ फोल्डिंग उनने बांधी है तो किस तरीके से बांधी है, क्या उनके आसपास उसने गार्ड रेल्स जो हैं वो लगाई हैं या नहीं, गार्ड रेल्स क्या है, हेल्प करेगा कि हाइट पे वर्क चल रहा है तो वो बचा सके। तो इस तरीके से क्या है, वहाँ जो भी चीज़ सब का वो स्काफ फोल्डिंग बांध रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें चेक करना, ठीक है। इंस्पेक्ट करना सारी चीज़ों को, जो भी वर्क चल रहा है तो उसमें क्या हैंडलिंग हो रही है, टूल्स क्या यूज़ हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल टूल्स क्या यूज़ हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें चेक करना। कोई भी कैरी करके ले जा रहे हैं सामान, उसके इंस्पेक्शन हुआ है या नहीं, वर्क एरिया पे कौन कौन से वर्किंग प्रोसीजर चल रहे हैं, क्या अनसेफ एक्ट है, अनसेफ कंडीशन है, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए एक सुपरवाइज़र को कि क्या क्या काम वहाँ पर हो रहा है और उसके अंडर में क्या क्या है, ठीक है, उसको लोगों को ठीक से सुपरवाइज कर सके, ठीक है। इंजीनियर ने अपना ड्यूटी किया, ऑफिसर ने अपना ड्यूटी किया, अब सुपरवाइज़र अपना ड्यूटी करेगा। तो ये सारी जो चीज़ें आती है वो आती है सेफ्टी कमेटी के अंदर। तो एक तरीके से देखा जाए तो सेफ्टी कमेटी एज अ डॉक्टर है, क्योंकि वो सारे एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए तरीके बताएगी, एक्सीडेंट्स ना होने पाए उनके लिए क्या करना है, सारी चीज़ें वो चेक करेगी, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि सेफ्टी कमेटी जो है वो कैसे वर्क कर रही है, क्यों उनका होना ज़रूरी है, क्यों ये सेफ्टी कमिटीज़ बनाई जाती हैं, तो उनके लिए यही रीज़न है कि अपने वर्क प्लेस को एज सेफर रखने के लिए, मतलब जितना हो जाए एज सेफर एज, ठीक है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सेफ वो रख सकें, ठीक है। तो यही है कि थिंक सेफ, वर्क सेफ, बी सेफ। अगर आप सेफली सोचेंगे, सेफ्टी के लिए सोचेंगे, सेफली रहने की कोशिश करेंगे तो ही आप सेफ रह पाएंगे, काम सेफली करेंगे तो आप सेफ रह पाएंगे, है ना। तो इसीलिए थिंक सेफ, वर्क सेफ, बी सेफ। अगर आप ठीक से सोचेंगे सेफ्टी के लिए, काम सेफ्टी से करेंगे तो आप सेफ रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। देखिए तो सेफ्टी कमेटी जो है वो आपको सिर्फ गाइड कर सकती है, बाकी सारी चीज़ें आपके हाथ में रहती हैं, आपको किस तरीके से वर्क करना है, ठीक है। तो सेफ्टी कमेटी क्या है, एक मिलजुल के काम करने वाली एक कमेटी है, जो मिलके काम करे सारी चीज़ें, क्योंकि एक इंसान तो सारी चीज़ें नहीं कर सकता ना, तो एक सेफ्टी कमेटी बनाई जाती है जिससे कि सारी चीज़ें प्रोसीजर वाइज हो, एक वे में हो, सेफली हो, ठीक है। तो ये सेफ्टी कमेटी आज मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली होता क्या है। सो थैंक यू।